बिस्मिल्लाह रहमान रहीम न्यूज़ वन टीवी में तमाम नाजरीन को अस्सलाम अलैकुम कहते हैं। वज़ीरे आज़म इमरान खान का तीसरा तारीखी खिताब यूनाइटेड नेशन में, पूरी दुनिया को अमन का वाज़ेह पैगाम, मगर भारतीय हरीफ मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गया, दावे दरे के दरे रह गए, इंडियन डेलीगेशन उठे और वॉकआउट कर दिया। ये सारा नज़ारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानने से पहले न्यूज़ टीवी वन को सब्सक्राइब कर लें। इमरान खान की इस तकरीर ने जो सबसे ज़्यादा हाल किया है वो मोदी का है। बार बार नाजी से मिलाते हैं और हिटलर से मिलाते हैं और इस अंदाज से मिलाते हैं कि कमाल कर लिए। इमरान खान की तकरीर का ही असर है कि इंटरनेशनल अखबारात, फॉरेन पॉलिसी, इवन के इकोनॉमिस्ट से लेकर दुनिया भर के जो बड़े बड़े लीडिंग आउटलेट्स हैं वो कह रहे हैं कि मोदी को जाना पड़ेगा चाइना के खिलाफ मदद के लिए, किस जगह? वेस्ट के पास। लेकिन ये इमरान खान की तकरीर का ही असर है कि वेस्ट के अंदर मोदी का अब गंदा चेहरा दिखाते हैं इंतहा पसंदी के हवाले से, क्योंकि यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की है। अगर मोदी के तलकात आपके साथ हो गए तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर नफरत है इंडिया से, होते होते तुम्हारे मुल्कों में भी पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बीमारी है इंतहा पसंदी, जैसा कि पहले देखा आपने हिटलर की सूरत में। बहुत ज़बरदस्त काम किया है इमरान खान की तकरीर ने अपनी बात को समझाने में। एक और बहुत अहम इशू जो उन्होंने उठाया है वो है फ़लस्तीन का और कश्मीर का और अरब के साथ बिगड़ती सूरत हाल। क्या पूरी दुनिया का मीडिया अब इमरान खान की तकरीर को किस तरह नशर करता, ये देखना है कल। किस तरह इमरान खान की तकरीर का नक्शा खींचते हैं, इमरान खान का वाज़ेह पैगाम यूनाइटेड नेशन के ज़रिए पूरी दुनिया में अमन कायम हो।